क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं अपाची काफ्का। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोटोकॉल बफर्स के बारे में। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में जानते हैं। ये कहता है, प्रोटोकॉल बफर्स आर लैंग्वेज न्यूट्रल प्लेटफॉर्म न्यूट्रल एक्सटेंसिबल मैकेनिज्म फॉर सीरियलाइज स्ट्रक्चर डेटा। अब सीरियलाइज स्ट्रक्चर डेटा किसको कहते हैं भाई? सीरियलाइज स्ट्रक्चर डेटा से मीनिंग ये जाती है कि उसका कोई स्कीमा है, लाइक ये। अब ये स्कीमा C++, ये जावा कोड के लिए, ये पाइथन के लिए, इस तरह। इससे ये बात समझ में आती है। अगर इसको जरा से स्क्रॉल डाउन करें तो ये कह रहा है कि भाई हम इस लैंग्वेज में काम करते हैं या इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, उसका ट्यूटोरियल भी, और किस तरह से करेंगे, ये तमाम चीजें हम जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। प्रोटोकॉल बफर्स की क्यों जरूरत पड़ी? देखो, प्रोटोकॉल बफर्स से हम जब डेटा को गुजारते हैं, इसको सीरियलाइज करते हैं, और उसके जरिए जब हम काफ्का के अंदर डेटा को भेजते हैं, तो उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है। अभी तक हमने काफ्का के अंदर जो डेटा भेजा था वो जेसन भेजा था, लेकिन काफ्का कहता है कि आप मुझे प्रोटो बफ के जरिए डेटा भेजें जो कि बाइनरी के अंदर आएगा, तो उसकी स्पीड जेसन से बहुत ज्यादा होगी और लाइट वेट भी होगा। तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे, और काफ्का और हमारे बीच एक लेयर होगी प्रोटोकॉल बफर की। जो हम डेटा प्रोटोकॉल बफर को भेजेंगे वो उसको बाइनरी में या सीरियलाइज करके काफ्का को प्रोवाइड कर देगा, और जब काफ्का हमें डेटा भेजेगा तो बीच में इसकी लेयर होगी, वो उसको फिल्टर करके हमें प्रोवाइड करेगी जेसन में या ऑब्जेक्ट में। इसलिए यूज किया जाता है प्रोटोकॉल बफर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डॉकर के इंजन को स्टार्ट करते हैं। मेरा डॉकर का इंजन स्टार्ट है। इसके अंदर एक इमेज मैंने डिलीट कर दी है जिसके अंदर हमारा कोड होता है, क्योंकि वो अपडेट होगा, उसके बाद हम दोबारा उसकी इमेज बनाएंगे। और मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, और आ जाता हूं मैं अपने कोड के ऊपर, और ये वही कोड है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कोड किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख ले, ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर और इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है? इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड है प्रोटो बफ और इंस्टॉल, ठीक है? इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे। मैं कहता हूं पहले आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, MS-01 अपनी माइक्रो सर्विस के अंदर आ गया, क्योंकि इस माइक्रो सर्विस के अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं कहूंगा पोएट्री ऐड करो फोटो बफ, ठीक है? एंटर कर दूंगा, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, तो ये मुझे कहेगा कि आपके पास ऑलरेडी ये ऐड है, तो इसको जाके हम चेक कर लेते हैं, लेकिन ये कमांड आपको बताना मकसद था। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं आता हूं यहाँ पर टॉमल फाइल के अंदर, और टॉमल फाइल के अंदर ये रही प्रोटो बफ के नाम से मेरे पास इंस्टॉल है ये पैकेज, ठीक है? यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसको कट कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और इसको हटाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसको लिखा कि भाई जब मैं इसको कंटेनर बनाऊंगा, तो कंटेनर बनाने के बाद मुझे इसको डॉकराइज करने के बाद इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे ये पूरा चैट जीपीटी किया था, जिसके अंदर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको लिखा था कि आप जो है एक डॉकर एक्सपर्ट हैं, और डॉकर एक्सपर्ट के बाद मैंने इसको कहा कि प्रोटो बफ कंटेनर को, अगर इसको कंटेनर के अंदर रखा जाए तो हमें डॉकर फाइल में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो उसने मुझे कहा कि आपको ये चेंजेस करनी पड़ेगी, तो इसको मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद कॉपी करने के बाद मैं इसको अपनी डॉकर फाइल में जाके पेस्ट कर दूंगा, ताकि जब हम इसका कंटेनर बनाएं तो कंटेनर के अंदर हमें प्रोटो बफ का कंपाइलर भी मिल जाए। और कंपाइलर क्या काम करेगा अभी हम वो भी देख लेंगे, लेकिन मुझे ये बताना मकसद था कि ये चीज मैंने चैट जीपीटी से निकाली, ताकि वो हर स्टेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंटेशन से ले आते हैं और किस तरह से मैं उसको चैट जीपीटी करता हूँ। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई। तो हम आते हैं अपनी डॉकर फाइल के अंदर। डॉकर फाइल के अंदर आने के बाद वर्क डायरेक्टरी इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? सेव कर दिया, हमारी डॉकर फाइल भी रेडी हो गई। इसने क्या किया ये भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई जो मेरी लिनक्स है ना, उसको अपडेट कर दो और इंस्टॉल कर दो, और उसके बाद उसके अंदर रन कर देना प्रोटो बफ कंपाइलर को, ठीक है? कंपाइलर की क्यों जरूरत पड़ती है वो भी हमें पता चल जाएगा। इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अब क्या करें भाई, सबसे पहले हम आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं।
तो मैं आ जाता हूं, अब चैट जीपीटी का काम खत्म, इसको कट कर देते हैं, काफका का काम खत्म, इसको कट कर देते हैं, और प्रोटोकॉल बफर के ऊपर आते हैं, जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये कहते हैं ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल में आते हैं पाइथन में, क्योंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये कहता है कि भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको कंपाइलर की भी आपको जरूरत पड़ेगी, चलो वो देख लेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कहते हैं कि भाई एक फाइल बनाओ स्केमा के लिए, जिसका नाम जो भी हो लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट प्रोटो। तो हम बनाते हैं वो फाइल, मैं आ जाता हूं यहां पर और अपने MS-01 के अंदर बनाता हूं एक फाइल, ठीक है, MS-01 के अंदर एक फाइल बनाते हैं। तो मैं कहता हूं प्रोडक्ट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को ही बनाया ना, हमने ये यहाँ पे स्केमा वगैरह सब प्रोडक्ट का बनाया, तो मैं कहता हूं प्रोटो, प्रोटो, ठीक है, मैंने ये फाइल बना दी प्रोडक्ट डॉट प्रोटो के नाम से, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद इसको यहां से क्या करेंगे, आपको पता है मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, ये तमाम कर दूंगा कॉपी और कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, देखो यहाँ पे सिंटेक्स है प्रोटो टू का और यहाँ पे लैंग्वेज गाइड प्रोटो टू है और प्रोटो थ्री है, हम प्रोटो थ्री थ्री यूज करेंगे, तो इसको मैं जाऊंगा और यहाँ पे जो भी स्कीमा है इसको कॉपी कर दूंगा, मैंने इसको कर दिया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं आऊंगा अपनी फाइल में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो सिंटेक्स है ना प्रोटो थ्री, ये देना जरूरी है, वरना पे एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोटो टू यूज हो रहा है या प्रोटो थ्री यूज हो रहा है, हम प्रोटो टू थ्री यूज कर रहे हैं, आपका मन करे तो आप टू भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस क्लास, ये क्लास बन गई है, इस क्लास को नाम दे देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्लास को नाम दे दिया प्रोडक्ट। स्ट्रिंग के अंदर हम पहले दे देंगे आईडी, क्योंकि हम अपने स्केमा को भी सामने रखेंगे कि हमारे पास स्केमा क्या है, स्केमा के अंदर हमारे पास आईडी है, प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम दे देते हैं भाई यहाँ पे, इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको किया पेस्ट, पेज नंबर नहीं है, हमारे पास आईडी है जो कि इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है और इसकी जो सीरियल है वो वन होगा, इसके बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमें लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट है वो टू हो गया, उसके बाद हमें पेज नंबर है इंटीजर है, ये प्रोडक्ट आईडी है हमारी, तो ये भी दे देते हैं भाई प्रोडक्ट अंडरस्कोप आईडी और ये है थ्री, ठीक है, तीसरी लाइन की हमको जरूरत नहीं, हमारा स्कीमा बन चुका है, इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर दिया और सेव कर दिया। ओके, हमारा एक स्कीमा बन गया, इसको जरा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं स्कीमा, देखो हमारे पास क्या क्या फील्ड है, आईडी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी है जिसके अंदर प्रोडक्ट हमारी स्ट्रिंग है, बाकी दो इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने यही चीज बता दी कि भाई इंटीजर है आईडी, फिर प्रोडक्ट है स्ट्रिंग, फिर इंटीजर है प्रोडक्ट आईडी, सेव कर दिया, हमारे पूरे इसका काम हो चुका, इसको कट कर दो, ठीक है। इसको कट करने के बाद दोबारा आ जाते हैं और इसको सामने रखते हैं, ये फाइल हमने अपने रूट के ऊपर बनाई है MS-01 के अंदर, फिर आ जाते हैं यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, मैं दोबारा से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पाइथन ट्यूटोरियल पे आते हैं और पाइथन ट्यूटोरियल के ऊपर आने के बाद जरा सा कंट्रोल एफ करूं तो ये कहते हैं कंपाइलर, ठीक है, हमें कंपाइलर को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से होगा, ये रहा डाउनलोड पैकेज, ठीक है। ये कहता है कि जब आप ये बना दोगे स्केमा, कौन सा स्केमा, ये वाला स्केमा जब आप बना दोगे तो इसको कंपाइल जब किया जाएगा, तो कंपाइल करने के बाद ये इस कोड को पाइथन के कोड में बदल देगा, और पाइथन के कोड में बदलने के लिए जरूरी है कि हमें कंपाइल करना हो, कंपाइलर कौन सा चाहिए, जो कि अभी हमने डॉकर फाइल में लिखा है, कौन सा कंपाइलर, प्रोटोबफ कंपाइलर की जरूरत है यहां पर, तो प्रोटोकॉल क्या नाम है दोबारा से देख लेता हूं, भूल गया, डॉकर फाइल में प्रोटोबफ कंपाइलर, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना इस डाउनलोड पैकेज के अंदर जाए, तो मैंने इसको अलग से टैब के ऊपर ओपन कर देता हूं, इस पैकेज के अंदर जाएं, यहां पे लेटेस्ट रिलीज है, इसके ऊपर आ जाएं और इसके ऊपर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, आपके पास जो भी सिस्टम है उसकी फाइल डाउनलोड कर दें, मेरे पास विंडो है और 64 बिट है, तो मैंने इसको डाउनलोड किया, यहां पर डाउनलोड करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास ये आ गया, मैंने इसको अनजिप किया, यहाँ पर विनरार के जरिए अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ के, भाई इसको एक्सट्रैक्ट कर दो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे एक और इस तरह की फाइल बन जाएगी, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके भी बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये देखो फाइल बन गई, कहाँ चली गई, ये प्रोटो, प्रोटो ये रही, प्रोटो कहाँ चली गई, बनी नहीं, चलो दोबारा से कर लेते हैं,
मैं इसको दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, विनरार में आते हैं, एक्सट्रैक्ट टू प्रोटो यहाँ पे कर देते हैं। बनी कुछ तो बनी है चेंजेस सारी, ये आ गई फाइल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने फाइल सिस्टम में, डिस पीसी में, सी में, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कहाँ पर? ये रहा, यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद क्या किया, इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद बिन में गया, बिन में जाने के बाद इस लोकेशन को कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें कंपाइल करना है, सीएलएस करते हैं। सीएलएस करने के बाद मेरी जो फाइल है प्रोटो वाली कहाँ पर है, एमएस के अंदर भी एक और एमएस है, उसके अंदर है। तो मैं जाता हूँ CDMS01, यहाँ पर मेरी वो फाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद स्लैश लगाया, और स्लैश लगाने के बाद देखो बिन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। बिन के अंदर हमें मिला है प्रोटॉक, आखिर में सी है, तो मैंने इसको कहा प्रोटॉक है भाई यहाँ पे, प्रोटॉक। ये कंपाइलर है। प्रोटॉक के अंदर गया, प्रोटॉक के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा से जाते हैं। ठीक है, बार बार ये जरा सा तकलीफ होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहता है भाई प्रोटॉक से कहो कि आउटपुट दे दे पाइथन का। ठीक है, जहां पे आपकी लोकेशन है वहां पे ये आउटपुट ले आओ, मतलब पाइथन को आप कर दो कंपाइल। तो मैंने इसको किया कॉपी। ठीक है, हाइफन हाइफन पाइथन आउट, मैंने इसको देखो लिखा लोकेशन, लोकेशन के बाद प्रोटॉक, प्रोटॉक के बाद हाइफन हाइफन पाइथन आउट, फिर मैंने कहा डॉट पोजिशन के ऊपर मेरी प्रो। अब जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा इसको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ये कमांड मैंने लिख दी। क्या है, मैंने कहा कि भाई इस लोकेशन के ऊपर मेरा कंपाइलर है जिसका नाम है प्रोटॉक, उसको मैंने कॉल किया। उस प्रोटॉक को मैंने कहा हाइफन हाइफन पाइथन आउट, मुझे आउटपुट चाहिए पाइथन फाइल में, और डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोटो प्रोटो को मेरी पाइथन में बदल दो। इंटर करेंगे, इसने कुछ तो किया। ठीक है, इसने कुछ तो किया, देखते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ बना। ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोटो थी, इसने बना दी प्रोडक्ट अंडरस्कोर PB2, प्रोडक्ट अंडरस्कोर PB2। इसके अंदर जाए तो ये सारा जो स्कीमा था ना, इसने बदल दिया इसको पाइथन के कोड में। अब इसके अंदर क्या है, किस तरह है, क्या नहीं है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमने इसको अपना स्कीमा दे दिया था, उस स्कीमा को इसने इसके अंदर मर्ज कर दिया, या इसको पाइथन के हिसाब से कर दिया। हमें इससे कोई सरोकार नहीं, बस आपको बताना था कि जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया तो ये फाइल हमें ऑटोमेटिक बन के मिल गई। तो भाई यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इस फाइल को हमें यहां पर इंपोर्ट करना है, तो मैं कहूंगा इंपोर्ट, और सॉरी फ्रॉम, भाई फ्रॉम यहां पे देखते हैं ये फाइल कहां पे रखी हुई है। मैं कहता हूं भाई फ्रॉम MS01, MS01। ठीक है, MS01 में इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, कौन सी फाइल, प्रोडक्ट पीबी टू। इंपोर्ट हो गई, इतना काम भी हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इतना काम हो गया, हमने इसका स्कीमा बनाया। स्कीमा बनाने के बाद इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको अपने मेन फाइल के अंदर कर दिया इंपोर्ट। ठीक है, यहां तक बात सही है। अब हम सारा कोड कर देते हैं कमेंट, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने इसको कर दिया कमेंट, क्योंकि हमें पहले टेस्ट करना है, और इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। और हम आ जाते हैं अपने पोस्ट एपीआई के अंदर, पोस्ट एपीआई के अंदर इसको भी हम कर देते हैं। किस किस को कमेंट करेंगे भाई, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और क्या करना है, किसको कमेंट करना है, बल्कि सारे को ही कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सारे को ही कमेंट कर दिया, तमाम चीजों को हमने कर दिया कमेंट। ठीक है, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। हमारे पास क्या है, देखो पोस्ट एपीआई के अंदर अब कुछ भी नहीं है, एक ऑर्डर आ रहा है, और ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसको रिटर्न भी करके देख लेते हैं, सेव किया और अपने कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। मैं कहूंगा CD... स्टेप बाहर आए गए, हमने कहा पोएट्री, अभी हम कंटेनर नहीं चला रहे, फिलहाल कोड को समझने। तो मैं कहता हूं पोएट्री रन करो यूवी कॉन, और उसके अंदर है MS01, इसके अंदर है मैन, सॉरी MS01 के अंदर है डॉट मैन, और एप हाइफन हाइफन रीलोड, इंटर। हमारा कोड चल जाना चाहिए, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही चल गया, इसको एक बार जरा सा कॉल करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, लोकल होस्ट और डॉक्स के अंदर आया, हमारा कोड बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, इसको एक बार ट्राई आउट भी कर देते हैं। ट्राई आउट, और ट्राई आउट में मैंने इसको कहा ID 1 कर दो, और इसको स्ट्रिंग कर दो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कर दो 1, इसको 101। ठीक है,
इसको जरा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा एग्जीक्यूट हो रहा कोड, हमारी एपीआई बिल्कुल सही काम कर रही है, इसमें कुछ भी साइंस नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो ऑर्डर इसको मिल रहा है वो इसको मैंने रिटर्न कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। हम आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे कि भाई आगे क्या करें। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आगे उसने कहा कि जरा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, फिर देखते हैं कर क्या रही है। हमने जो ऊपर इम्पोर्ट किया है उसके साथ ये कुछ ना कुछ खेलेगा, तो हम भी खेल लेंगे उसके साथ। वहां पे ये कर रहा है कि ये कह रहा है कि ये जो आपने बनाई है ना, इसमें से अपनी क्लास को आप इंपोर्ट करवाओ और एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो मैं आ जाता हूं यहां पर, या यहां पर आ जाते हैं। चलो, मैंने कहा प्रोडक्ट, प्रोटो प्रोडक्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चले प्रोटो प्रोडक्ट। और इसको हमने इंपोर्ट किया था, ए क्या नाम था हमने जो इंपोर्ट किया था, प्रोडक्ट P2। हमने कहा एक वेरिएबल में प्रोडक्ट PV2 डॉट प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या है, इसको कॉल कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्लास है। कौन सी क्लास है, यहां पे हम आए, ये क्लास है, सॉरी यहां पर हम आए, ये क्लास है ये वाली, ठीक है। इसको हमने इसको बुला लिया, तो हमने कहा भाई ये क्लास है, इसको हटा देते हैं, ये क्लास है और इस क्लास के अंदर आईडी है। आईडी बराबर होगी ऑर्डर डॉट आईडी के, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बराबर होगी ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट के, और इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर है प्रोडक्ट अंडरस्कोप आईडी, जो के बराबर होगी ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट आईडी के, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड कर, अल्टर जेड कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, ऑर्डर में जो भी प्रॉपर्टीज आ रही है और स्कीमा में जो भी प्रॉपर्टीज है, वो हमने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कि भाई स्कीमा में जो आईडी है वो आईडी बराबर होगी जो ऑर्डर के अंदर आईडी है। इसी तरह प्रोडक्ट है, जो स्कीमा में प्रोडक्ट है वो बराबर होगा ऑर्डर प्रोडक्ट के, और इसी तरह प्रोडक्ट आईडी बराबर होगी ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट आईडी के। तो यहां तक तो पूरी बात आ गई समझ में। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको जरा सा प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट को किया कॉल। कॉल करने के बाद मैंने लिखा प्रोटो प्रोडक्ट, सेव कर दिया, ठीक है। इसको अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको जब ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर जब हमने क्लास को कॉल किया और उस क्लास के जरिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके अंदर आ क्या रहा है, सेव कर दिया। अब दोबारा से हम करते हैं कॉल, किसको कॉल करेंगे, अपनी एपीआई को। इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको कहता हूं भाई ट्राई आउट करो। ट्राई आउट के अंदर मैंने इसको दे दिया दोबारा से 1, और यहां पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट और 1, इसको कर दिया 101, ठीक है। नॉर्मली और कुछ भी नहीं किया, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे रिटर्न में तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिल गया, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कुछ मिला। ये देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें हमारा स्कीमा मिल गया। किस सूरत में, किस शक्ल में मिला हमारा स्कीमा, जिस शक्ल में हमने अपना स्कीमा बनाया था प्रोटोबफ में, जिस तरह हमने स्कीमा बनाया था, किस तरह से बनाया था ये भी देख लेते हैं। इसी तरह से बनाया था, ठीक है। तो इसी तरह से हमें स्कीमा मिल गया, मतलब हमारा प्रोटोबफ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अच्छा, यहां तक भी बात समझ में आ गई। इसको जरा सा और नीचे ले जाते हैं। अब मैं कहता हूं भाई प्रोटो एक और वेरिएबल बना देते हैं, सीरियलाइज प्रोडक्ट। अब हम इसको सीरियलाइज डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा प्रोटो, ये जो प्रोडक्ट है डॉट सीरियलाइज कर दो, ठीक है। अब मुझे स्पेलिंग याद नहीं कि सीरियलाइज की स्पेलिंग क्या है, तो मैं आ जाता हूं यहां पर, क्योंकि इसमें जरा सी भी गड़बड़ करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, और एरर आने के बाद मजा नहीं आता। मैं आ जाता हूं डॉक्यूमेंटेशन में, करता हूं Ctrl+F। यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे बता देना। सीरियलाइज, ये रही इसकी पूरी फंक्शन कि भाई इसको कर दो कॉपी, तो ये सीरियलाइज हो जाएगा। मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहां से हटाया, पेस्ट कर दिया कि भाई हमारा ये जो फोटो प्रोडक्ट है इसको सीरियलाइज टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो और यहां पे बता दो। और इसको भी कर देते हैं प्रिंट, इसको भी कर देते हैं प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम क्या देंगे, प्रिंट के अंदर इस बार हम देंगे सीरियलाइज प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सीरियलाइज प्रोडक्ट, सेव कर दिया। अब दोबारा से एपीआई फायर करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे एक और चीज, ठीक है, चलो रहने देते हैं। मैं आ जाता हूं यहां पर, दोबारा से एपीआई को फायर करते हैं, रिफ्रेश किया, ट्राई आउट किया,
ट्राउट के बाद यहां पर आ गए, वन किया, वन के बाद स्ट्रिंग में आ गए, स्ट्रिंग में किया प्रोडक्ट 01 और यहां पे कर दिया 101। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अपना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से चल रहे हैं। यहाँ पे देखो मुझे रिस्पांस में क्या मिला, बॉडी मिल गई। हम जरा सा इसको चेक करते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया। नहीं, एरर नहीं मिला भाई, बिल्कुल सही चीज आ गई। ये देखो हमें स्कीमा के मुताबिक डेटा मिला और इसके बाद सीरियलाइज डेटा मिला। कितना जबरदस्त काम हो गया, कितना जबरदस्त काम हो गया, हमें डेटा सीरियलाइज होकर मिल गया। तो अब हमें इसको भेजना है काफ्का के अंदर, तो इसको बना देते हैं, काफ्का के अंदर भेज देते हैं। हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, और कोड के ऊपर आने के बाद ये जो कमेंट अनकमेंट किए थे पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही लाइन है, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना। इस लाइन को, चलो प्रिंट वाली लाइन को भी रहने देते हैं, और जेसन वाली लाइन की अब हमें जरूरत नहीं, इसको कमेंट करते हैं, इसको जो है अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट किया, इसके अंदर हम जेसन भेज रहे थे, अब हमें जेसन नहीं भेजना, हमें सीरियलाइज जो हमारा डेटा है वो भेजना है, ये वाला जो सीरियलाइज प्रोडक्ट है हमें ये भेजनी है। हम काफ्का के अंदर भेज रहे हैं ना, तो काफ्का के अंदर प्रोड्यूसर में हमें सीरियलाइज चीज भेजनी है, तो हमने इसको भेज दिया काफ्का के अंदर, जो सीरियलाइज डेटा है वो भेज दो भाई। ये काम हो गया भाई प्रोड्यूसर की हद तक, और बाकी जो फारे चीजें हैं वो मैं हटा देता हूँ, हमने टेस्ट भी कर दी है, उनकी अब हमें जरूरत नहीं। तो इसको मैंने हटा दिया इस प्रिंट को, ताकि कोड खुला खुला हो जाए। ठीक है, इसको भी ये ले लिया, यहाँ पर ये वाला प्रिंट भी हटा दिया हमने, और ये जो जेसन है इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सेव कर दिया, हमारा प्रोड्यूसर बिल्कुल रेडी हो गया। हमने क्या किया जरा सा रिपीट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे क्लास के जरिए क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोटोबफ के जरिए। जो प्रोटोबफ के जरिए ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट को हमने कर लिया सीरियलाइज, और सीरियलाइज करने के बाद इस अपने ऑब्जेक्ट को या इस सीरियलाइज डेटा को हमने भेज दिया काफ्का के अंदर। अब काफ्का के अंदर हमारा जो भी डेटा जाएगा वो जाएगा सीरियलाइज डेटा जाएगा, और उसी डेटा को हमने रिटर्न भी करवा दिया ऑर्डर के अंदर कि भाई हमें बता दो कि वो ऑर्डर था क्या। इसको सेव कर दिया, यहां तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये भाई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर का काम खत्म। अब हमें काम करना है अपने कंज्यूमर पे, तो इसको हम अनकमेंट करते हैं, जो जो हमने कमेंट किया था इस टास्क को अनकमेंट करते हैं, उसके बाद हम अपने कंज्यूमर को अनकमेंट करते हैं। और अब हमने क्या किया, देखो हमने जो डेटा भेजा काफ्का को, उसको प्रोटोबफ के अंदर से गुजारा, सीरियलाइज किया और वो भेज दिया काफ्का को। अब जब काफ्का कंज्यूमर को डेटा भेजेगा तो वो प्रोटोबफ के जरिए उस डेटा को डीसीरियलाइज करेगा। अब कंज्यूमर के ऊपर हम काम करेंगे, तो इसको हम बहुत ज्यादा आसान है, वही काम करेंगे जो भी हमने प्रोड्यूसर के ऊपर किया है। तो प्रिंट के अंदर हम टॉपिक को मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई ये सीरियलाइज डेटा आएगा। क्यों सीरियलाइज आएगा, क्योंकि काफ्का के अंदर अभी हमने सीरियलाइज डेटा भेजा है, तो अभी हम डायरेक्ट उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो सीरियलाइज डेटा होगा, उसको हमें डीसीरियलाइज करना होगा। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं, पहले हम इसको कमेंट करते ताकि हमें पता चले कि काफ्का से सीरियलाइज डेटा आएगा, ये करेंगे, उसके बाद उसको डीसीरियलाइज करके उसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो हम कहते हैं सीरियलाइज डेटा आएगा, तो हम लिखते हैं सीरियलाइज। ठीक है, स्पेलिंग सही है मेरी, सीरियलाइज, चलो गलत भी हो तो मुझे इसके ऊपर माजरत है, मैं ज्यादा स्पेलिंग के ऊपर जाता नहीं। तो यहां पे मैंने इसको कर दिया प्रिंट कि भाई मुझे सिर्फ वैल्यू देखनी है मैसेज की और कुछ भी नहीं देखना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। मैं कहता हूं भाई नया वेरिएबल होगा डीसीरियलाइज। ठीक है, डीसीरियलाइज प्रोडक्ट, आपका जो मन करे उस नाम से कर बना दो, डीसीरियलाइज प्रोडक्ट। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी जो ये क्लास है इस क्लास को कॉल करूंगा। तो मैं कहूंगा भाई प्रोडक्ट टू इसके अंदर है प्रोडक्ट, इसको भी मैंने कॉल किया, इसको यहाँ पे कॉल करके छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मुझे डीसीरियलाइज करना है। डीसीरियलाइज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में, तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे हमने सीरियलाइज लिखा था, अब हम लिखेंगे पार्स। ये भाई पार्स के लिए मैं क्या करने पर क्या करना पड़ेगा, ये कहता है भाई पार्स के लिए आपको ये चीज कॉल करनी पड़ेगी अपनी क्लास से। वो कैसे पता चला, दोबारा से एंटर करते हैं, दोबारा से एंटर करते हैं, ये रहा क्लास। ठीक है, आप अपनी क्लास से कर क्या कॉल करो, पार्स फ्रॉम स्ट्रिंग। आप अपनी क्लास से क्या कॉल करो, पार्स फ्रॉम स्ट्रिंग। इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद मैं आता हूं अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद मैं लिखता हूं भाई पी सीरियलाइज को यहां पर पुकारा, मैंने कॉल किया, इसके बाद मैंने डॉट लगाया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो डेटा है भाई, किस डेटा को डीसीरियलाइज करना है आपको, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये जो मैसेज वैल्यू है ना, इसको ही डीसीरियलाइज करके हमको बता दो। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट।
टेस्ट करने के बाद इसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, ये बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें नजर आ जाए। इसमें एफ एफ स्ट्रिंग के अंदर आ गए, लिखेंगे डी सीरियलाइज डेटा डॉट 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 डॉट, और यहां पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, डी सीरियलाइज प्रोडक्ट। एंटर कर दिया, सेव कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। हमने प्रोड्यूसर पे भी काम कर दिया, अपने कंज्यूमर के ऊपर भी काम कर दिया, और कंज्यूमर के ऊपर एक डेटा हमने सीरियलाइज को प्रिंट करवाया है, दूसरा डेटा हमने डी सीरियलाइज को प्रिंट करवाया है ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि काफका से तो सीरियलाइज डेटा आएगा, फिर यहाँ पे हमने उसको डी सीरियलाइज किया एज पर डॉक्यूमेंटेशन और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। अब हमारा कोड पूरा रेडी हो चुका है, इसको मुझे अप करना पड़ेगा कंटेनर को और इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पर, यहाँ पे हम कहेंगे डॉकर कंपोज अप हाइफन डी, इंटर कर दिया, ये मेरे कंटेनर अप हो रहे हैं। जब तक कंटेनर अप होते हैं हम इंतजार कर लेते हैं। हमारे तमाम कंटेनर अप हो चुके हैं, इसको जरा सा हम जाकर देख भी लेते हैं। कंटेनर्स के अंदर आ गया, तमाम कंटेनर अप है, रनिंग के अंदर है, इसको जरा सा डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। मैं आता हूं यहाँ पे, लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 डॉक्स, ठीक है, मेरी एपीआई आ चुकी है। इसके बाद काफका यूआई को जरा टेस्ट करते हैं, काफका यूआई ये भी आ चुकी है। यहाँ पे काफका पे क्लस्टर बना देते हैं, काफका वन के नाम से, मैं कहता हूँ 19, सॉरी यहाँ पे आएगा ब्रोकर, यहाँ पे मैंने लिखा ब्रोकर, पोर्ट देते थे 19092, वैलिडेट करते हैं, जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर वाला जो टॉपिक है वो बनकर आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ वक्त ले लेगा, इंतजार कर लेते हैं, और कुछ हमारे पास चारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बन जाएगा क्लस्टर, जो कि बन गया, टॉपिक्स के अंदर जाए तो हमारा ऑर्डर बन चुका है। ऑर्डर क्यों बन चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। ऑर्डर के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे अभी कोई भी मैसेज नहीं है, ठीक है, तो इसको मैसेज सेंड करके देखते हैं अपनी एपीआई से। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पर जाओ और आप ट्राई आउट करो, ट्राई आउट के साथ आईडी दे दो, आईडी में दे देता हूँ 1, और यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग की जगह प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1, और आईडी दे देते हैं प्रोडक्ट 101, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, डेटा जा चुका है। जरा एक और डेटा भी भेज देते हैं, दो डेटा भेज देते हैं ना, ताकि हम इजी तसल्ली से फिर उसको चेक कर सकें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 दे देते हैं, प्रोडक्ट 2 और 101 की जगह प्रोडक्ट 2, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, ये भी डेटा चला गया, दो डेटा हमने यहाँ पे भेज दिए। यहाँ पे अगर आकर हम देखें मैसेजेस के अंदर, ओवरव्यू में जाते हैं, दोबारा मैसेज में आते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए, दो डेटा हमको यहाँ पे मिल गए, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। और देखो ये हमें किस शक्ल में मिले हैं, ये हमें प्रोटोबफ के फॉर्मेट के ऊपर मिले हैं, बाइनरी के अंदर, ठीक है ना। जो भी उनका फॉर्मेट है, बाइनरी फॉर्मेट आई थिंक, ये उसके अंदर हमें मिले, हमें ऑब्जेक्ट की शक्ल के अंदर नहीं मिले। अब हम देखते हैं क्या हमें कंज्यूम हुए हैं वो, हम अपनी अपने कंटेनर के अंदर देखते हैं। इसको मैं सीएलएस करता हूं और कंटेनर के लॉक्स को पता करते हैं, और कंटेनर का नाम क्या है, वाईएमएल के अंदर जाता हूं, वाईएमएल के अंदर मैं कंटेनर का नाम देख लेता हूं। ये रहा मेरा कंटेनर, उसका नाम है एपीआई, इस कंटेनर के अंदर मेरा कोड है सारा। तो इसको जरा सा देखते हैं, इसके लॉक्स को इसे भी हटा देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ डॉकर कंपोज लॉग्स, हमें लॉग्स बताओ एपीआई कंटेनर के, हाइफन एफ, इंटर करूंगा, ठीक है, ये आ गया सारा, ये आ गया सारा। और देखो कितना जबरदस्त है, अगर आपको बिना कहे बात समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और उसको कैसे बताओगे, आपके पास 10 सेकंड है, तब तक मैं एक और एंट्री करता हूं और फिर इसको समझाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और एंट्री कर देते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूं भाई आईडी जो है 3 कर दो और प्रोडक्ट भी 3 कर दो और उसकी आईडी भी 3 कर दो, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, डेटा चला गया। काफका यूआई के अंदर देखते हैं, इसको जरा सा ओवरव्यू मैसेज, 3 एंट्रियां हो चुकी। लॉग्स के अंदर आते हैं, लॉग्स चेक करते हैं, वाह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा सीरियलाइज डेटा आ रहा है काफका से कंज्यूमर के अंदर। फिर हमने उसको किया डी सीरियलाइज और ये डी सीरियलाइज हो गया। इसी तरह अगर ये डेटा भी देखो तो ये डी सीरियलाइज हो गया। अब इसको और क्या चाहिए, कितना आसान है। अच्छा ये सीरियलाइज और डी सीरियलाइज मैंने शुरू में बताया था कि हम इसलिए कर रहे हैं कि जेसन के मुकाबले में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये और ज्यादा लाइट वेट है, बावजूद इसके कि जेसन भी लाइट वेट है और उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। लेकिन काफका कहता है कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं आपको और ज्यादा बेहतर और ज्यादा बेहतर दे दूंगा, और कर दो बहुत ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट दूंगा। तो इसको सीरियलाइज और डी सीरियलाइज फॉर्मेट के अंदर डेटा को
सेंड करना पड़ता है, जिस वजह से हमारा डेटा लाइट वेट और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है, जो अभी हमने देखा, लेकिन यहाँ पे हमें फील नहीं होगा, जब ये रियल लाइफ में आप देखेंगे तब आपको फील आएगा। तो हमने सीरियलाइज देख लिया, डीसीरियलाइज देख लिया, आज इसको हम जरा समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, पावर बफ को किया इंस्टॉल, जिसकी कमांड हमने देखी, प्रोटो बफ को हमने इंस्टॉल किया प्रोटो बफ के जरिए। उसके बाद हमने क्या किया, डॉकर फाइल के जरिए उसको ऐड करवाया चैट जीपीटी के जरिए। ये डॉकर फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम मेन के अंदर आ गए। मेन के अंदर आने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, हमने नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते हुए पहले अपने जो डेटा है ऑर्डर को उसको सीरियलाइज किया। किस तरह सीरियलाइज किया, इस तरह से सीरियलाइज किया, फिर उसको हमने भेज दिया अपने काफ्का के अंदर। और यही काम हमने क्या किया, कंज्यूमर के अंदर किया। किस तरह किया कि भाई जो डेटा उसको आ रहा है, पहले तो हमने उसको बता दिया कि जो डेटा आ रहा है वो सीरियलाइज डेटा है, जो कि हमने प्रूफ किया। उसके बाद उसको हमने क्या किया, पार्स किया या डीसीरियलाइज किया इस पर डॉक्यूमेंटेशन पर, इसको हमने शो करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि सीरियलाइज डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, और आने के बाद जब डीसीरियलाइज हो रहा है तो वो किस तरह से नजर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।